दोस्तों, हर व्यक्ति अपने जीवन में सारी सुख सुविधाएं चाहता है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसके जीवन में उसे किसी भी तरीके की कोई कमी ना हो, कोई बाधा उसके जीवन में ना आए। लेकिन आज आपको जीवन की एक सच्चाई से रूबरू कराने वाले हैं। जी हाँ, वाल आपको आज बताएंगे कि किस तरीके से जब व्यक्ति ज्यादा सुखों को भोगने लगता है, ज्यादा ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगता है, जी हाँ, तभी से व्यक्ति का बुरा समय शुरू हो जाता है, यानी कि तभी से व्यक्ति की किस्मत बर्बाद होने की राह पर चल पड़ती है। जी हाँ, हमारे कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप सुख सुविधाओं को एंजॉय ना करें, सुख सुविधाओं को भोगे ना, लेकिन आप देखते होंगे कि कोई लोग छोटे तबके से उठकर जब बहुत बड़ा नाम कमा लेते हैं, पहचान कमा लेते हैं, एक मुकाम कमा लेते हैं, तब उनके पास जो सुख सुविधाएं आती हैं तो वो उस चीज की वैल्यू करते हैं, उस चीज की कदर करते हैं, उस चीज को दिखावा या अपना घमंड नहीं समझते। लेकिन जो व्यक्ति पैसों के ठाट दिखाता है, घर का ठाट दिखाता है, जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं होती, उस व्यक्ति का स्वभाव अधिकतर उतना ही बिगड़ैलू होता है, यानी कि वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा बिगड़ैल होता है। जी हाँ, जब हम ज्यादा सुख भोगने लगते हैं तब हम अपनी जिंदगी में हम कंफर्ट जोन ले आते हैं, हम उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते। हम सोचते हैं कि हमारे पास अब किसी चीज की कमी नहीं है, तो हमारा स्वभाव दूसरे व्यक्तियों के लिए बिगड़ जाता है, हम प्यार की भाषा भूल जाते हैं, हम अधिकतर अपने रोब में रहते हैं, अकड़ में रहते हैं, और ये बात हम और आप सब जानते हैं। कहीं ना कहीं आपने भी अपने जीवन में इस वाक्य को जरूर नोट किया होगा। जब इंसान ज्यादा सुख सुविधाएं भोगने लगता है, सुख सुविधाओं के इर्द गिर्द रहता है, तब व्यक्ति का स्वभाव बिगड़ना लाजमी होता है, क्योंकि व्यक्ति उन तमाम दुखों और परेशानियों को भूलकर अब चैन की सांस लेता है, सारी सुख सुविधाओं को भोगता है और उसका स्वभाव बिगड़ने लग जाता है। हम ऐसा नहीं कह रहे, अधिकतर लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन अमूमन ऐसा देखा जाता है। तो सुख सुविधाओं को आप भोगिए, एंजॉय करिए, लेकिन उसके साथ ही प्यार की भाषा, प्रेम के शब्द हमेशा अपने जहन और अपनी जुबान पर बना के रखिए, क्योंकि ये प्यार के शब्द ही रिश्तों में मिठास घोले रखते हैं। अन्यथा सुख और दुख तो जिंदगी के दो पहलू हैं, ये कभी भी आते हैं और कभी भी जाते हैं, लेकिन स्वभाव ऐसा होता है जो व्यक्ति के जाने के बाद भी हमें उसकी याद दिलाता है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से इंदु की रिपोर्ट।